यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे पेड़ लगे हैं। टीम छो नमस्ते, वेलकम बैक। एक नए दिन और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हम हैं कहाँ पे हैं, हम सुजो की बहुत ही फेमस बिल्डिंग पे, जिसका नाम है गेट ऑफ ओरिएंट, गेट ऑफ ईस्ट। और हम यहाँ पे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि हम यहाँ पे कैसे आए और हमने क्या क्या किया आज के दिन में। आज देखो यार, क्या बढ़िया वेदर है, धूप निकली है। सो अभी हम जा रहे हैं जिंजी लेक, सुजो की स्काईलाइन है वो देखने जा रहे हैं। हमें पता नहीं, वहाँ पे कुछ सीनिक एरिया है। सो लेट्स गो काशू, विल गो बाय सबवे, बाय द वे इट्स वेरी कन्वीनियंट टू गो बाय द सबवे। मस्त है एकदम, खुला खुला, उस साइड लेक है पूरा फेद। लेट्स गो। ये देख, कुछ बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जो आप देख रहे हो ये है सुजो कल्चर एंड आर्ट सेंटर, ये वाली है सुजो इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर। और यहाँ पे शायद क्रूज टूर भी होती है, तो लेट्स आस्क देम। काफी ओपन जगह है तो बच्चों को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा। यहाँ पे बीच वाली फीलिंग आती है, राइट। चिंताओं में थे हम तब, ऐसी ही फीलिंग आती थी। यहाँ पे हमने बहुत ट्राई किया कि यहाँ पे कोई होटल मिल जाए, बट अभी क्या था कि एंड मोमेंट पे सारी होटल बुक हो चुकी थी। कितना बढ़िया है यार, यहाँ पे बाइसिकल लेके आओ। सुजो की जो फेमस बिल्डिंग है वो यहाँ पे, अगर आप थोड़ी सी देख रहे हैं, देख सकते हो। ओह यस, काशु इंडियन सॉन्ग बज रहे हैं। अरे ये देख गणेश जी। इंडियन ओशन लिखा है, वास्को द गामा है क्या? Yes. और इंडियन सॉन्ग ही बज रहे कब से, तो हम बस यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट में पूरा सॉन्ग नहीं डाल सकता यहाँ पे, बट बहुत मजा आ रहा है। उस पैरों को देख के खुश हो रहा है। तो ये सोच के यहाँ पे अच्छा खासा लेक है, तो इन्होंने बैठने के लिए क्या मस्त जगह बनाई है, राइट। ये सब लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे लेक है, लाइक अहमदाबाद में भी लेक है, बट ऐसा अगर बैठने को बना देना तो बहुत मजा आता। अभी वोटिंग स्टार्ट हो गई है, कर लेते हैं, राइट। वहाँ पे उन लोगों ने इसको टाइगर दिया,
यहाँ पे बोट पे जाने वाले हैं, यहाँ पे एक पियर है वहाँ पे जाने वाले हैं सामने। 120 RMB उसका टिकट है। यही है फर्स्ट किधर। अभी ऐसा है कि यहाँ पे कुछ है देखने का, ये आइलैंड है, तो बोल रहे थे कि रिटर्न बोट आपको 4:30 बजे तक मिलेगी और 120 RMB तक उसकी टिकट है। तो 120 में हम तीनों आ गए और टू एंड फ्रंट, तो बहुत ही अच्छा है। वाह यार ये भी मस्त है, आइलैंड है पूरा, आइलैंड पे पूरा पार्क बनाया है। तो ये देखो ऐसा आइलैंड है पूरा, जिसका नाम है पीच ब्लॉसम आइलैंड। ये आइलैंड है और आइलैंड के ही सामने मस्त एकदम स्काईलाइन। रात को तो बढ़िया लगती होगी यार ये स्काईलाइन। सुजो इज रियली ब्यूटीफुल। सिटी के बीचों बीच मैन मेड आइलैंड और वो भी इतना खूबसूरत। यहाँ पे देख आते होंगे फ्लावर्स, ये जो अभी नहीं है अभी ये स्प्रिंग फेस्टिवल ही है, बट अभी स्प्रिंग आई नहीं है। जब स्प्रिंग आएगी तब ये पूरा का पूरा एकदम पिंक पिंक हो जाएगा। पागल हो गए हाँ। कब से ना हम वो स्ट्रीट में और वहाँ पे घूम रहे थे ना, तो उसको ट्रॉली में ही बैठना पड़ता था, तब उसको खुली जगह नहीं मिल रही थी, तो अभी इसको बहुत मजा आ रहा है। ट्रॉली में नहीं बैठना है अभी इसको। कहाँ पे? अच्छा हाँ, उसके घर बनाए हैं छोटे छोटे, तो वो वहीं रहते होंगे। बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, अंदर जा सकते हैं। शैल वी गो? डक्स है, स्वान्स है शायद। ओह यहाँ पे पीकॉक है। Oh, there's a white peacock. अरे शीप है, शीप, बाबा ब्लैक शीप। पानी है ना तो बहुत ठंड लग रही है। बच्चों के साथ आए हो तो उनको मज़ा आता है, खुली जगह है और बोटिंग भी है। तो यार पार्क बहुत ही बड़ा है, अगर आपको नेचर एंजॉय करना है और आपको वॉकिंग करना है तो आप आ सकते हो, बहुत ही क्वाइट बिग, दूर तक जा सकते हो। और कुछ कुछ जगहों पे सीनरी के लिए पोर्ट जैसा बनाया है, तो आप वहाँ पे जाके फोटोज़ भी निकाल सकते हो। और फोटोज़ से मुझे याद आया, हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लिए है ये सुजो की फुल ट्रिप पे। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो कर लेना। काशो तुझे पता है लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्ट डिसीजन, पता है तुझे, यू नो इतनी सारी बियर में से कौन सी बियर चूज करें। तो खाना खा के हम यहाँ पे जस्ट वॉक कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत सारे लोग आ गए, अभी 4 बजने वाले हैं।
तुझे पता है यहाँ पे चाइना में लोग अपने बच्चों को ऐसे बांध के रखते कि छूट ना जाए। देख हमें भी जरूरत ही है। वो कहाँ चला गया देखो, कुछ ज्यादा ही वो मजबूत थ्रेड की जरूरत पड़ेगी भाई। तो ये कौन है? ये क्या है? बहुत ही अजीब है कुछ। तो गाइस हम आ चुके हैं सुजो की सबसे फेमस बिल्डिंग पे। ये 0.5 में ही लेना पड़ेगा राइट? काफी बड़ी है। ए मॉल है क्या पूरा? यस इट्स देयर आर सम मॉल्स। जगह तो बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर आप देख सकते हो हम थे वहां पे, काफी ठंड बढ़ गई है। ये तो देखो यार कितना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ये कैमरा में इतना ऊंचा नहीं लग रहा है बट अब अगर आप यहाँ पे आओ ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत ऊंचा है। बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे सुजो सेंटर प्लाजा है तो ये शायद मॉल होगा। ये भी देख स्ट्रक्चर कितना बढ़िया बनाया है। चाइना में वैसे अलग बिल्डिंग बनाने का मतलब पहले बहुत ही क्रेज था। अगर आप स्काई स्क्रेपर्स की लिस्ट देखोगे ना, टॉप 10 में से 5 स्काई स्क्रेपर तो चाइना के ही है। देखो यहाँ पे भी एक स्काई स्क्रेपर है। बट ये तो देखिए कितनी छोटी लग रही है इसके सामने। यस yes. ये वाली तो देख, इतनी बड़ी बिल्डिंग उसके पास छोटी लग रही है। तो यही होता है गाइस, जब आप एक्चुअली में मतलब इस चीज को देखते हो ना, दूर से आपको ऐसा लगता है अच्छे ठीक है अच्छी बिल्डिंग है, बट आप जब पास जाके वो देखते हो वहाँ पे खड़े रह के, तभी आपको पता चलता है उसकी एक्चुअल हाइट क्या है। ठंडी तो है
ये सारी बिल्डिंगें बहुत बढ़िया लग रही है। यहाँ पे जैसे वो बुर्ज खलीफा में प्रमोशन चलता है ना, सेम वे यहाँ पे भी प्रमोशन होता है। ऐसा टीवी शो या ऐसा कुछ भी करना है तो यहाँ पे प्रमोशन करते हैं, इसलिए मेरी कंपनी का भी प्रमोशन उन्होंने यहाँ पे किया था, मुझे तभी याद है। जब हम उस साइड थे तो देखो क्या बढ़िया बिल्डिंग लग रही है, वो वहाँ भी जा सकते हैं आगे। बट अभी हम बहुत ही थक गए हैं और बहुत ही ठंड है, होटल जाएंगे सीधा। चलो चलो चलो, लेट्स गो। If you like this video, then press like and don't forget to subscribe our channel. See you in the next vlog. Till then, bye-bye.